वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों आज सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि नेवी SSR और EE के अंदर वैकेंसी आ गई है। और रियली जब ये मुझे मालूम चला था तो बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि खुशी इसलिए भी बनती है क्योंकि एयरफोर्स के अंदर जो जो कैंडिडेट्स फेल हो गए थे एग्जाम को, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, एक एक दो दो नंबर से रह गए थे, तो जब मैं उनके बारे में सोच रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था कि यार कम से कम उनको बहुत राहत मिलेगी। और बाकी में ऐसा ही हुआ और जितने भी कैंडिडेट्स जो कि एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स थे उनको बहुत अच्छा लगा है। और उनको ही नहीं, बहुत सारे जो NDA की तैयारी करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं, जिनका एज लिमिट है अभी, तो आराम से वो इस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों आप बने रहिए और देखो, सबसे अच्छी मैं आपको बात बता देता हूँ इसमें कि नेवी SSR अगर आप जाना चाहते हैं और नेवी EE में जाना चाहते हैं तो दोनों में खासकर ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। जो नेवी जो EE होता है वो थोड़ा स्तर ऊपर होता है, थोड़ा सा हाई होता है, और नेवी SSR थोड़ा सा नीचे होता है, बस और ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें। जो फर्क होगा फिर मैं और आपको बता दूंगा। देखिए अभी आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डाउट आ रही थी, सर आप नेवी SSR के बारे सिलेबस में बता दीजिए, किस तरह के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, तो मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि नेवी SSR में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेवी SSR का मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी जो भी मेरा अनुभव है उसको भी मैं शेयर करूँगा, मेरा किस तरह से एग्ज़ाम पेपर हुआ था और कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको बताऊँ कि जो टोटल मार्क्स आएंगे वो 100 नंबर का ये पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपका GK मैथ फिजिक्स और इंग्लिश ये 25-25 नंबर का होता है, ठीक है। और आपका एक घंटे का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है और 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर को होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद क्या होता है कि अगर हम बात करें कि देखिए जब मैं एग्ज़ाम पेपर में दे रहा था तो उस टाइम पर क्या होता है कि मेरे सेंटर पर कम से कम 200 से 250 बच्चे वहाँ पर आए हुए थे कैंडिडेट्स, उसमें से मात्र 20 से लेकर के आई थिंक 27 के मुझे ऐसा याद नहीं एग्जैक्ट 27 बच्चे जो है सिलेक्ट किए गए थे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इतने सारे बच्चों में से सिर्फ वो सिलेक्टेड बंदे लेते हैं, और जबकि उनके द्वारा ये बताया जाता है कि यदि ये 100 नंबर का पूरा पेपर है तो आपको क्या है हर जितने भी GK में से और इन हर सब्जेक्ट में आपको 10-10 नंबर लाने होते हैं, मतलब आप 40 नंबर लाएंगे। यदि आप 40 नंबर लाएंगे तो आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल भी आप इस भ्रम में मत रहना कि 40 नंबर पर SSR का एग्ज़ाम जो है आप क्रैक कर सकते हैं, नहीं, कम से कम अगर आप आगे तक जाना चाहते हैं तो कम से कम आपका 80% बनना चाहिए, यानी कि 100 में से यदि आप 80 नंबर लाते हैं तो आप आगे तक बिल्कुल आपको कोई नहीं रोकेगा। आप कम से कम 250 बच्चों में से वो 20 से 30 बच्चे ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे जो 80 के आसपास होंगे उन बच्चों का ही यस और नो उनको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो इस बात पर बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे लेना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अटैम्प्ट करना है। वैसे ये पासिंग होता है कि मतलब 10 नंबर तो इसमें आने चाहिए। हाँ, ऐसा अगर मान लीजिए GK में आपने 10 नंबर लिया है और बाकी आप इनमें 20-25 ला रहे हैं तो चलो आप पहुंच जाएंगे आराम से, मतलब 10 तो नंबर लाना ही है, पासिंग है ये सब में एग्रीगेट करना है। तो ये आपको मुझे लगता है एक बात तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक नई बात ये है कि देखो GK में जब मैं आया, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था SSR का, तो GK में से क्या होता है कि आपका करंट पूछा जाता है, करंट या एक या दो नंबर का आता है, ज़्यादा नहीं आता। जो भी अभी एक साल पुराना जो भी करंट में हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा वही पूछा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो फेस्टिवल जो होते हैं, फेस्टिवल से भी रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है जो भी GK से रिलेटेड है। और मैं बात करूँ ना ये तो GK भी बहुत ईजी आता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, और डिफेंस से भी रिलेटेड इनमें पूछा जाता है जैसे कि बारे में। तो देखो मैथ्स में क्या होता है कि अगर आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है ना तो सबसे बस सौखी बात एक ही है कि आप इसमें टाइम का बहुत ध्यान रखना है। एक घंटे का पेपर होता है और आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं तो काफ़ी ध्यान से वो करना होता है आपको। तो देखो फार्मूला बेस्ड जिसमें मैथ पूछा जाता है, 3-4 नंबर की रीजनिंग इसमें डाल देते हैं, फिगर भी आ जाता है, डायरेक्शन भी आता है, और फुल फॉर्म भी एक दो का वो पूछ लेता है GK में, ठीक है। तो और नॉर्मली बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन वो 10+2 के स्टैंडर्ड पर निर्भर करता है आपका जो सिलेबस होता है वो। फिजिक्स की बात करें तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स के अंदर, न्यूमेरिकल भी एक दो न्यूमेरिकल होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो थ्योरी बेस्ड होते हैं। अगर थ्योरी आपका अच्छा है तो आप फिजिक्स में आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो देखो इसमें 2 कॉम्प्रिहेंसिव दिए जाते हैं, और देखो एंट्रम्स रिडम्स एक एक मिलता है आपको, और आपका एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन, एरर से भी 2 क्वेश्चन, और फ्लब्स भी आते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा इंग्लिश का जो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है ना तो आप इंग्लिश और मैथ के ज़रिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि देखो और GK तो ये टाइम कंज्यूमिंग वाला है ही नहीं, यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप डायरेक्टली टिक कर देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले
सबसे पहले ना आपको इनमें से ये कर लो, जीके खत्म करो सबसे पहले करके, जीके और उसके बाद फिर इंग्लिश कर लेना। आप चाहो तो कोई सा भी कर लेना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो देखो इंग्लिश और मैथ में आप पूरे में से पूरे ला सकते हैं। फिजिक्स थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है उसमें, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो और आप उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएँ। ठीक है, तो मैं बस बेसिकली यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है, फिर भी अगर कोई परेशानी है, तो मैं ज़रूर आपको जो भी कमेंट में आप पूछेंगे उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। हाँ, और परसेंटेज की अगर आप बात करें तो आप पूछ रहे थे कि सर परसेंटेज हमारा 60% है, 70 है, 75 है। तो देखो मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि जब मेरा जो परसेंटेज था वो 67% था पीसीएम से, तो 67% पर मेरा कॉल आ गया था। और उसके बाद फिर मैंने रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। रिटन के बाद फिर क्या हुआ, जो है फिजिकल हो गया, मेडिकल, सब कुछ एक ही बार पास करता चला गया और आराम से मैं ज्वाइनिंग पर आज तैनात हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो परसेंटेज मायने करता है, अब देखो बहुत सारे बच्चों के कॉल वापस नहीं आते, तो मुझे नहीं पता कि वो सब क्यों नहीं आते, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा परसेंट था 67, जिस पर मेरा कॉल लेटर वापस आ गया। तो आप चिंता मत करिए, देखिए आप क्या है, आपका कोई चार्ज तो जा नहीं रहा है, आप एक बार ट्राई करिए, आप उसमें फॉर्म फिल करिए कुछ। देखो आप जैसे एयरफोर्स में हो गया है, वैसे इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। पिछली बार क्या हुआ था देखो कि नेवी डबल ए में किसी को ना कम परसेंटेज में कॉल नहीं वापस होता था, लेकिन उन्होंने फीस लिया बीच, मतलब फॉर्म भर गए थे उसके बाद भी, फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद उन्होंने फीस लिया था। तो ऐसे हो सकता है कि इसके अंदर आपको यू नो अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। देखो इसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं पता, क्योंकि जो SSR जो नेवी का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता है। बट मैं अपने अनुभव पर बात कर रहा हूँ, जो भी मेरे और भी SSR की पोस्ट पर तैनात मेरे और भी दोस्त हैं, तो वहाँ से अगर मेरे को ये जानकारी प्राप्त है कि आप ट्राई ज़रूर करना, अपना फॉर्म ज़रूर फिल, मन तन लगा करके आप इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। आप जो रो रहे हो ना कि सर मेरा 1-1, 2-2 नंबर से एयरफोर्स में रह गया, अरे देखो ऊपर वाले ने कितना अच्छा आपको मौका दिया है कि अभी जस्ट 10 दिन भी नहीं हुए, उसके बाद आपको SSR में भी आपको देखो मौका दे दिया। तो देखो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा बस मेहनत कर लेना, और मैं बड़ा खुश होऊंगा कि देखिए आपकी भी ड्यूटी लगेगी, कभी ना कभी मेरे साथ लगेगी, तो बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी याद रहेगा कि हाँ 2018 बैच के अभी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रहा है, वो सब मालूम चलता है किधर किधर ज्वाइनिंग है, तो बहुत मज़ा आएगा। और डैम श्योर आपका, देखो मेरा भी ये बहुत, मैं बड़ी लकी होऊंगा कि आप मेरे साथ नौकरी करेंगे। तो दोस्तों बहुत इजी पेपर होता है, आराम से आप निकाल देंगे, लेकिन आराम का मतलब ये नहीं कि मतलब आराम से रेस्ट करके आप निकालना ना, अगर आप रात और दिन मेहनत करेंगे ना मेरे दोस्त, आप एक ही अटेम्प्ट में इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। आपको शायद हो सकता है कि ये बात आपको न पचे, लेकिन मैं आपको रियल बता देता हूँ, मैंने मात्र ये एग्ज़ाम पेपर जो था वो 3 महीने भी नहीं था यार, मतलब 2.5 महीने मैंने इस एग्ज़ाम पेपर को क्वालिफाई कर लिया था, सिर्फ 2.5 महीने में। 2-3 साल की मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है, यदि आप एक्टिव हैं और आप थोड़े पढ़ने के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि आपके पास जो टाइम दिया है ना 4 महीने का, यार 4 महीने में तो आप पता नहीं आर पार कर दोगे यार, आप 4 महीने के अंदर तो समझ लो कि बहुत कुछ कर सकते हो यार। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी भी ना लगे तो आप जानकारी ज़रूर ध्यान रखना, और इस वीडियो को लाइक दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई इश्यू आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा। परसेंट वाली बात यह है कि आप फॉर्म ज़रूर भरना, मेरा 67 था इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखो फॉर्म मुझे लग रहा है 60% पर, ये कम से कम क्या होता है कि 60% पर कॉल जो है वापस हो जाता है, 60% है तो आप बिल्कुल टेंशन मत।